अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हमारा पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूँ JDC में, जहाँ पर 2023 की इज्तिमाई कुर्बानी जो है वो बराए मुस्तहकीन की जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे जो है जानवर मौजूद हैं, बड़े बड़े और छोटे जानवर भी मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत जानवर मौजूद हैं। इनकी तमाम की डिटेल्स मैं आपको अभी बताता हूँ और साथ साथ दिखाता हूँ। जैसे कि फैमिलीज़ के साथ लोग आए हुए हैं यहाँ पर, बड़े प्यारे प्यारे जानवर हैं। और ये भी एक जानवर यहाँ पर इतना खूबसूरत सा है, और फैमिलीज़ भी यहाँ पर विज़िट कर रही हैं मुसलसल, ये देखें। और साथ साथ छोटे जानवर भी मौजूद हैं साथ साथ। ये आप, मेरे ख्याल ये ऑस्ट्रेलियन ही लग रहा है, ठीक है। और एक्साइटमेंट अलग है बच्चों की देख रहे हैं जो यहाँ पर साथ साथ। और उसके बाद आप ये जानवर देखें, यहाँ किस कदर खूबसूरत और बड़ा जानवर है। ये तमाम मुस्तहकीन के लिए किया गया है इस वक्त 2023। देखिए आप इस जानवर की खूबसूरती देखें और हाइट देखें सिर्फ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये भी देखिए साथ साथ, तो बहुत आवाम का रश यहाँ पर है इस वक्त, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। छोटे जानवर भी हैं इसके साथ साथ, बड़े जानवर भी हैं। अच्छा, उसके बाद ये ऊँटों की एक लाइन लगी पड़ी है यहाँ पर, ठीक है। ऊँट भी अवेलेबल हैं, तमाम के तमाम मुस्तहकीन के लिए हैं जो इज्तिमाई कुर्बानी यहाँ की जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए एक ऊँट यहाँ पर है। और एक और चीज़ मैं आपको बड़ी मज़ेदारियाँ दिखाने वाला हूँ, ये कि जो आप जानवर बैठा हुआ देख रहे हैं, ये कुदरती तौर पर इसकी 5 टांगें हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप, 2 टांगें यहाँ पर, और ये पीछे आप देखें अगर गौर करें तो ये जो दुम की साइड पर इसकी टांग निकली हुई है, ये इसकी 5वीं टांग है। और फिर उसके बाद आप ये देखिए ज़रा, ये माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत जानवर है। मेरे को उर्दू नहीं आती, चलो हम बोलूँगा, बहुत बेहतरीन है। हम ये चुरी तेज कराने वाले हैं, पूरा कराची भी घूमते हैं, लेकिन ऐसे जानवर अभी तक हम नहीं देखा है। ये बहुत है ज़बरदस्त, अल्लाह ये किसी के ये दिए अल्लाह कबूल कर दे। अच्छा, जैसे कि आपने भाई के भी ताज़ुरा देखे हैं, और ये भी बहुत खुश हैं जानवर देखकर, क्योंकि हैं ही इतने खूबसूरत जानवर जो इस वक्त यहाँ पर हैं। और उसके बाद ये एक भैंसा है, लेकिन ये इस वक्त मुँह उस तरफ करके खड़ा हुआ है, और गर्मी भी इस वक्त शदीद है। तो मतलब आप अगर आप देखें तो यहाँ पर हर तरह का जानवर अवेलेबल है। ये बच्चे हैं यहाँ पर, काफ़ी देर से यहाँ खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं यहाँ के जानवर? बहुत अच्छे लग रहे हैं हम लोग को यहाँ पर जानवर। कौन सा अच्छा लग रहा है? ऑस्ट्रेलियन, वो वाइट वाला जी। ये शरीफ भैंसा नहीं है, तभी तो अलग बांध है। ये एक आप देख रहे हैं छोटा सा जानवर भी यहाँ मौजूद है इसी में JDC के अंदर, कितना प्यारा सा जानवर है। ये भी कुर्बानी के लिए यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर कोई ऐसा, क्योंकि व्यापारी तो है नहीं, ये सारे के सारे JDC की तरफ से जानवर है, तो इनकी मालूमात तो आपको मतलब मालूमात तो इसकी ऐसी अवेलेबल नहीं है कि कितने दांत के जानवर क्या है। दार से बात है, सारे कुर्बानी के लिए रेडी हैं इस वक्त। फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी देखें आप, कितना प्यारा जानवर यहाँ खड़ा है। लोगों का आना जाना भी लगा हुआ है मुसलसल। यहीं भी रहता हूँ, बहुत अच्छे आए, सब भी बड़े अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छे वो जो गुलाबी है, वो जो है गुलाबी कलर वाला चेलियन है, जो वो अच्छा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा। फैमिली यहाँ पर आई हुई है बहुत बड़ी तादाद के अंदर, और बच्चे हैं, और साथ साथ गाड़ियाँ वो सारी आ रही हैं। जगह तंग है तो इसीलिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। और ये देखिए, ये भी बड़ा प्यारा जानवर यहाँ पर है। फिर यहाँ पर साथ साथ इन जानवरों की को गर्मी से बचाने के लिए भी बंदोबस्त किया गया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, यहीं पर मौजूद होते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे। इधर यार ये सिपी के जानवर है, माशाल्लाह 2 बेल है, एक बेल तो 6 दान में विनर मेला है सिपी का, ये राणा अबड़ू से लिया था, वो तो शायद रफेद ने दिया था। इनका ख्याल किस तरह से रखते हैं आप? वगैरह देते हैं, पानी वगैरह देते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, गोबर वोबर उठाते हैं, ये वो चारा बारा देना है, भूसी कुत्तर वो सिपी वाले दोनों। जी हाँ,
देते हैं सुबह के टाइम भी, शाम के टाइम भी। वो गंदम का आटा उसकी स्पेशल खुराक होती है। फैमिली के साथ लोग आए हुए, तस्वीरें खिंचा रहे हैं, जानवर भी अपने नखरे यहाँ दिखा रहे हैं, देख रहे हैं। खातून डर के वाकई हैं इतने तकड़े कि खुदा ना खास्ता अगर छू भी लें वो आपकी तबीयत ठीक हो जानी है। तो इसीलिए जो भी आए फैमिली के साथ एहतियात करें। और ये काला वाला जो बछड़ा है इस वक्त खड़ा हो गया है, इसकी खूबसूरती और आँखें चेक करें आप माशाल्लाह से। ये ब्लैक वाला जानवर ये निकाल के लेके जा रहे हैं अभी इसको सफाई करने के लिए। ये जे डी सी में आया हुआ है काले रंग का जानवर, इसकी आप खूबसूरती चेक करें फिर माशाल्लाह। एक जानवर और इसका खड़ा हो गया है, दोपहर की जो है वो दोपहर का आराम इसका मुकम्मल हो चुका है। तो आप ये देखें ये कितना खूबसूरत जानवर है। और इसके बाद ये जो पांच जानवर पांच टांगों वाला जानवर मैंने आपको दिखाया था ये भी खड़ा हो गया है। ये देखें आप इसकी पांचवी टांग, ये इसकी पांचवी टांग है। आपकी रिहाइश यही है? जी जी, ये हमने उस पर देखी थी यूट्यूब पर, माशाल्लाह बहुत अच्छे जानवर हैं। तो शायद ओरिजिनल दिया है वो भी देखा है हमने, बहुत ज़बरदस्त है वो। लेकिन इन्होंने भी इसके बारे में सुना तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए विजिट करने के लिए। और बिल्कुल, क्योंकि जो लोग भी देख रहे हैं यानी कि जो जैसे मैंने भी अभी आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर आके विज़िट किया है तो मुझे पता लगा कि वाकई में यहाँ पर जो जानवर हैं वो बहुत खूबसूरत जानवर हैं। ये एक लौता जानवर है जो कि बाहर ही खड़ा हुआ है। ये जानवर शायद आफरीदी ने इन्हें दिया है, ठीक है, कुर्बानी के लिए। क्या अगर तो कोई आपको हल्का जानवर नहीं नज़र आएगा, खूबसूरती में, सेहत के अंदर और मतलब तगड़े जानवर सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। एक से बढ़कर एक तगड़ा जानवर यहाँ जेडीसी में इस वक्त है। इसको देखें आप माशाल्लाह माशाल्लाह, इंतहाई गोरे जानवर यहाँ पर मौजूद हैं और लगता है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कुछ फेरी लवली का इस्तेमाल भी किया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह।